हेलो फ्रेंड्स, रुतुस किचन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रुतु और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होटल या रेस्टोरेंट स्टाइल दाल फ्राई और जीरा राइस की रेसिपी। जब भी हम होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो दाल फ्राई और जीरा राइस खाते ही हैं, जो घर पे बनाना बहुत ही आसान है। दाल फ्राई और जीरा राइस को आज हम परफेक्ट माप के साथ बनाएंगे, जो झटपट बन जाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी नई नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन मिले। तो आइए परफेक्ट माप के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल दाल फ्राई और जीरा राइस बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कप बासमती चावल लिया है। तो जीरा राइस हमेशा बासमती चावल में से ही बनाए जाते हैं, पर आप घर में जो भी अवेलेबल चावल हो वो ले सकते हो। अब इसको अच्छे से 2 से 3 पानी से धो लेंगे। तो चावल को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इसमें पानी डाल देंगे और 20 से 25 मिनट के लिए पानी में भिगोना है। तो जीरा राइस बनाने के लिए चावल को हमेशा भिगो के ही ले। अब दाल फ्राई बनाने के लिए एक बाउल में लेंगे 1/2 कप तुअर दाल, 1/4 कप चने की दाल और 1/4 कप पीली मूंग दाल। आप दाल फ्राई सिर्फ तुअर दाल में से भी बना सकते हो, पर यहाँ पे मैंने 3 दाल को मिक्स करके लिया है, जिससे दाल फ्राई का टेक्सचर और कंसिस्टेंसी परफेक्ट आएगी। दाल को अब 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे। तो दाल को मैंने धो लिया है। अब इसमें पानी डाल देंगे और 20 से 25 मिनट के लिए भिगोना है। दाल को भिगो के रखे हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें से सारा पानी निकाल लेंगे। तो मैंने सारा पानी निकाल लिया है। अब दाल को बॉईल कर लेते हैं। दाल को बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लिया है। इसमें सारी दाल को डाल देंगे और इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। तो जितनी दाल है उससे डबल पानी लेना है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप टोटल दाल दी है, तो उसके सामने 2 कप पानी लिया है। इसके साथ इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून घी। अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप घी की जगह पे तेल भी डाल सकते हो। दाल को बॉईल करते समय नमक और घी या तेल डालने से जल्दी बॉईल हो जाती है और स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, और हल्दी डालने से दाल का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 विसल आने तक कुक करेंगे। अब दाल बॉईल हो रही है, तब तक हम जीरा राइस बना लेते हैं। तो राइस भी अच्छी तरह से भीग चुके हैं, इसमें से सारा पानी निकालेंगे। तो मैंने राइस में से सारा पानी निकाल लिया है। अब यहाँ पे मैंने जीरा राइस बनाने के लिए एक पैन लिया है। इसमें 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे। घी को गर्म हो जाने देंगे। घी गर्म हो जाने के बाद इसमें 2 टीस्पून जीरा डाल देंगे और जीरे को अच्छे से भून लेना है। जीरा भून जाए फिर इसमें डालेंगे 2 लौंग, 1 तेज़पत्ता और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, जीरा यहाँ पे जलना नहीं चाहिए। अब इसमें राइस डाल देंगे। तो ध्यान रखना है कि इस समय राइस में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अब 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हल्के हाथों से चलाते हुए भून लेना है। तो इस तरह से भूनने से ज़ीरा राइस बहुत ही खिले खिले बनते हैं और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो देखिए, राइस भी घी में अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी डालने में खास ध्यान रखना है, जितने राइस है उससे डबल पानी लेना है। यानी कि मैंने 1 कप राइस लिए है तो उसके सामने मैंने 2 कप पानी लिया है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से 8 से 10 मिनट के लिए कुक होने देंगे। 8 से 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो राइस एकदम अच्छे से कुक हो चुके हैं, पर अभी इसमें थोड़ा पानी है। तो अब इसको ढककर 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे कुक होने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इसको खोल के देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो राइस अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो इस तरह से हल्के हाथों से चलाना है, नहीं तो राइस टूट जाएंगे और मैश हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो राइस का एक एक दाना खिला खिला बना है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं बने हैं। तो आप ऐसे ही परफेक्ट माप के साथ जीरा राइस बनाएंगे तो आपके राइस ऐसे ही परफेक्ट खिले खिले बनेंगे। तो जीरा राइस बिल्कुल तैयार है। अब इसके साथ सर्व करने के लिए हम दाल फ्राई बना लेते हैं। तो 4 से 5 विसल होने के बाद मैंने कुकर का गैस ऑफ कर दिया था। कुकर ठंडा होने के बाद आप देख सकते हो दाल अच्छे से बॉईल हो चुकी है। दाल को ब्लेंडर से या तो विस्कर से मैश नहीं करना है, इसी तरह से रखना है। अब दाल का तड़का लगाते हैं।
तो उसके लिए एक पैन में लेंगे एक टेबलस्पून घी। अब तेल भी डाल ले सकते हो, पर घी से दाल का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। घी गर्म हो जाने के बाद इसमें डालेंगे एक टीस्पून जीरा, एक तेजपत्ता, दो लौंग और हाफ टी स्पून हींग। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें एक टीस्पून जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली की पेस्ट डाल देंगे और कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली की पेस्ट भुनने के बाद इसमें डाल देंगे एक प्याज जिसको मैंने बारीक काट लिया है, और प्याज को थोड़ी सॉफ्ट और गुलाबी हो जाए तब तक भून लेंगे। ये देखिए प्याज अच्छे से सॉफ्ट और गुलाबी हो चुकी है। अब इसमें दो टमाटर डाल देंगे जिसको भी मैंने बारीक काट लिया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। टमाटर मिक्स हो जाने के बाद इसमें डाल देंगे नमक। नमक हमने दाल को बॉईल करते समय भी डाला था, तो ध्यान से डालना है। अच्छे से मिक्स कर देंगे और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तब तक भुनना है। तो टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाने चाहिए, नहीं तो दाल का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें मसाले करेंगे और गैस की आंच को बिल्कुल धीमे कर देंगे जिससे मसाले जले नहीं। अब इसमें डाल देंगे आधे टीस्पून हल्दी पाउडर, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और एक टीस्पून धनिया जीरा पाउडर। अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत थोड़ा सा पानी डाल देंगे, एक से दो टेबलस्पून जितना, जिससे मसाले जल ना जाए। अच्छे से मिक्स कर देंगे और मसाला ग्रेवी में मिक्स होके कुक हो जाए तब तक भून लेंगे। मसाले ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे दाल जो हमने बॉईल करके रखी थी, मिक्स कर देंगे। सच में ये दाल इतनी अच्छी लगती है कि आपको कोई सब्जी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दाल अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल देंगे। तो दाल फ्राई की कंसिस्टेंसी थिक ही होती है, तो ज़्यादा पतली नहीं करनी है। तो अभी मैं इसमें आधा कप पानी डाल रही हूँ। तो पानी जब भी डाले तब गर्म पानी ही डालना है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो पानी मिक्स हो चुका है। अब इसमें आधी टीस्पून कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी डालना टोटली ऑप्शनल है, पर अगर आप डालोगे तो दाल का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। आधी टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। दाल अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसको ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन खोल के देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो दाल अच्छे से कुक हो चुकी है। अब लास्ट में इसमें थोड़े बारीक कटे हुए धनिया डाल देंगे और आधा नींबू का रस डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो एकदम परफेक्ट ऐसी दाल तैयार है। दाल की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, ऐसी गाढ़ी रखनी है। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगी, आप दाल बना के तुरंत ही सर्व करते हो तो दाल की कंसिस्टेंसी ऐसी गाढ़ी रखनी है, पर आप थोड़ी देर के बाद सर्व करते हो तो थोड़ा पानी और मिला के दाल को पतला कर दे, क्योंकि दाल जैसे ठंडी होगी वैसे और गाढ़ी होती जाएगी। अब दाल को सर्व करने से पहले इसके ऊपर एक मज़ेदार तड़का लगाएंगे जिससे दाल का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो उसके लिए एक पैन में लेंगे एक टीस्पून घी। घी गरम हो जाए फिर इसमें डालेंगे एक टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, और लहसुन को घी में अच्छे से भून लेना है। लहसुन को भूनने के बाद गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। तो ध्यान रखिएगा गैस ऑफ करने के बाद ही लाल मिर्च पाउडर डालें, नहीं तो मिर्च पाउडर जल जाएगा। दाल का तड़का तैयार है और दाल फ्राई और जीरा राइस भी तैयार है, तो गरम गरम सर्व करेंगे। तो इस तरह से दाल फ्राई बनाने के बाद कोई सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उतनी टेस्टी बनती है। और आपने देखा ना ये घर पे बनाना कितना आसान था। तो झटपट बन जाए ऐसे दाल फ्राई और जीरा राइस आज ही बनाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी नई नई और यूनिक रेसिपी सीखने के लिए मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।